subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan 3.1 If Agar. इस पोएम को हम पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, इसका चिट चैट करेंगे और इसे पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे. हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए. चलिए शुरुआत करते हैं. हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन योर पेरेंट्स स्कॉल्ड यू. आपके वालदैन जब आप पर गुस्सा होते हैं तो आपका क्या रद्दअमल होता है. व्हेन माय पेरेंट्स डू नॉट स्कॉल्ड मी विदाउट एनी रीज़न. यानी बेवजह मेरे पेरेंट्स तो मुझे बिल्कुल ही स्कॉल्ड नहीं करते. इफ़ दे स्कॉल्ड मी इट शुड बी बाय मिस्टेक. अगर मैं कुछ गलती करता हूँ तभी वो ऐसा करते हैं. बट आई नेवर गेट एंग्री एंड आई बो डाउन टू देयर एंड कूल देम विथ द राइट रीज़न. हाउ डू यू फील व्हेन समवन इंसल्ट्स यू. कैसा लगता है जब कोई आपको आपकी बेइज्जती करता है. व्हेन समवन इंसल्ट्स मी आई ट्राई टू फाइंड द रीज़न. जब कोई मेरी बेइज्जती करता है तो मैं उसकी वजह जानने की कोशिश करता हूँ. इफ़ देर इज़ अ मिस्टेक फ्रॉम माई साइड आई अवॉइड द मिस्टेक अगेन. अगर मेरी गलती होती है तो मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करने की खसम खाता हूँ. आई नेवर गेट एंग्री और मैं कभी भी गुस्सा नहीं होता हूँ. हाउ वुड यू रिएक्ट व्हेन यू आर चीटेड बाय योर फ्रेंड्स. कैसा लगता है जब आपके दोस्त आपके साथ धोखा करते हैं, धोखा देते हैं. आई एम क्वाइट श्योर डैट माई फ्रेंड्स नेवर चीट मी. मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि मेरे दोस्त मुझे कभी चीट करेंगे. बट इफ़ इट हैपन्स इट विल बी ड्यू टू सम रीजन्स. अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हो. वाई इज़ इट रॉन्ग टू मेक अ डिफरेंस अमंग फ्रेंड्स हु बिलोंग टू अ डिफरेंट क्लास, कलर और कम्युनिटी. यानी अगर कोई दूसरे रंग, नस्ल या जात की अगर दोस्त है तो क्या उसमें कोई फ़र्क करना चाहिए. बिल्कुल नहीं करना चाहिए. वी आर फ्रेंडली विद दोज हु आर गुड टू एट सोल एंड माइंड. जो हमारे साथ हमारे दिल लगते हैं, जिनका बर्ताव बिहेवियर अच्छा होता है, वो हमारे बेहतर दोस्त होते हैं और हम बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते. लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो पोएट है रुडियार्ड किपलिंग, इनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे. रुडियार्ड किपलिंग वाज एन इंग्लिश जर्नलिस्ट. रुडियार्ड किपलिंग जो है ये एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड नावलिस्ट. ये छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे, शायर भी थे और नावलिस्ट भी थे. किपलिंग वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइटर्स इन द यूनाइटेड किंगडम. रुडियार्ड किपलिंग ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के सबसे मशहूर राइटर्स में से एक है. शायद आपको अभी याद भी होगा. इन बोथ प्रोज एंड वर्स इन द लेट 19th एंड 20th सेंचुरी ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1907 एट द एज ऑफ 42. उन्हें नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था 1907 में 42 साल की उम्र में. ही वॉज द फर्स्ट राइटर राइटिंग इन इंग्लिश टू रिसीव द प्राइज़. ये पहले राइटर थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था. इनकी ख़ास बात क्या है, इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक लिखी थी, जंगल बुक्स. आपने मोगली के बारे में सुना होगा और ये जो इंडिया में जब आए थे और इंडिया के जंगलों के बारे में उन्होंने जो कहानी लिखी थी, आज ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी और समझी जाने वाली एक कहानी है, बच्चों में बहुत ज़्यादा मकबूल है. चलिए शुरुआत करते हैं, पोएम पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसके हर पैरा का हम यहाँ पर तर्जुमा भी करेंगे. इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू. इफ़ यू कीप वन हेड अप, टू कीप वन हेड यानी गुस्सा ना करना, दिमाग ठंडा रखना, नॉट टू गेट एंग्री. इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू. अब यहाँ ये जो हमने पहले तीन पंक्तियों को पढ़ा है मिस्रों को, उसमें समझने की कोशिश करते हैं. यानी इस नज़्म में क्या हो रहा है, एक बाप अपने लड़के के सामने ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल को बात कर रहा है, पोशीदा बातों का जवाब मांग रहा है. वो क्या कहता है, जब दूसरे तमाम लोग गुस्सा करेंगे तुम पर. इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग आउट यू. अब वो जब सब लोग गुस्सा करते तो इल्ज़ाम लगाते तो हमें क्या करना है, हमें अपने दिमाग को ठंडा रखना है. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ऑल मैन डाउट यू. और क्या करेंगे, तुम अपना दिमाग ठंडा रख कर
तहमुल के साथ में आपने क्या करना है, मुतवाजिन दिमाग के साथ लोगों के साथ आपने पेश आना है। लोग क्या करते हैं, अगर शक भी करेंगे, तुम पे एतमाद नहीं करेंगे, डाउट करेंगे, तो आपने क्या करना है, अदम एतमाद इज़हार कर रहे हैं तो आपने अपने आप को उनके ख्यालात का एहतराम भी करना है और अपने आप को बेहतर भी रखना है। बट मेक अलाउंसेस फॉर देयर डाउटिंग यू। अब आप क्या कर रहे हैं, मेक अलाउंसेस फॉर, इसका मतलब क्या है, यानी ख़ुद के मुतालिक दूसरों की बातों का ख्याल रखना, लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में उसे समझ लेना, फिर अपने हिसाब से फ़ैसला करना, नहीं तो लोग झगड़ने लगते हैं। बट मेक अलाउंसेस फॉर देयर डाउटिंग टू यू इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं और आप इंतज़ार करते करते थकते नहीं हैं तो क्या होता है, और बींग लाइड अबाउट यू। अब ये और बींग लाइड अबाउट यू इसका मतलब क्या है, यानी अपने मुतालिक दूसरों की झूठी मूठी बातें नहीं बताना। लोग अक्सर बातें बताते हैं, और बींग लाइड अबाउट यू, डोंट डील इन लाइज, झूठ नहीं बोलना है। क्यों, और बींग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग। अगर कोई तुमसे नफरत करता है तो आपने भी नफरत करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गिव वे टू हेटिंग, यानी आपने छोड़ देना, नफरत के जज्बे को हावी नहीं होने देना है। डोंट गिव वे टू हेटिंग एंड येट डोंट लुक टू गुड और नॉट टॉक टू वाइज, या फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना, यानी अपनी ज़्यादा स्कॉलर बनने की कोशिश नहीं करना, अपनी इल्मियत नहीं बगाड़ना, यही चीज़ यहाँ पर बयान कर रहा है। बट मेक अलाउंसेस फॉर दैट डाउटिंग टू इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। अब यहाँ पर क्या है, अगर तुम्हारे बारे में कोई झूठ बोल रहा है तो तुमने क्या करना है, खामोश बैठना है। अगर तो कोई तुम्हारे बारे में तुमसे नफरत करता है, तुम्हें कमतर समझता है, तो आपने बुरा नहीं मानना है। अब ये क्या है, और ये सब करते हुए क्या होता है, तुम्हारा दिल खुद को मिसाली और ख्याली समझने लगता है, अपने आप को बेहतर और बढ़ता समझने लगते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे ख्वाबों को हावी नहीं होने देना है। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वॉइस, टॉक टू वॉइस यानी इल्मियत बगाड़ना या बड़े बड़े बातें करना। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, आप ख्वाब तो देखेंगे लेकिन ख्वाबों की तकमील के लिए आप अब क्या करेंगे, अगर आप तुम ख्वाब ज़रूर देखो लेकिन ख्वाबों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, नहीं तो क्या होता है, अगर ख्वाब हमारे ऊपर हावी हो गए तो फिर हमारी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थाट्स योर एम, लेकिन अगर आप सोचते हैं गहराई से, बारीक बीनी से, तो गहराई से और हर पहलू से गौर व फिक्र करने से मकसद से क्या होता है, आप भटकते नहीं हैं, मकसद आपका बरकरार रहता है। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर, अब ये देखिए ये एंटीथेसिस है, ट्रायम्फ यानी कि जीत, डिज़ास्टर यानी कि हार। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर, यानी अगर आप फतह से हमकनार होते हैं, यानी जीत जाते हैं, बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, अगर आप तो क्या करना है, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, और फिर क्या करना है, बर्ताव करना है किसके साथ में, इम्पोस्टर्स कौन है, जो दगाबाज है, मक्कार है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, लेकिन उनके साथ भी आपने अच्छाई रवा रखना है, बुराई यानी बुराई का जवाब भी अच्छाई से देना है। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, अब क्या करना है, लेकिन आपने क्या करना है, आपके पास जो है अपना, इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ, आपके पास हौसला होना चाहिए सच्चाई का मुकाबला करने का, नहीं तो क्या होता है, यू हैव इसको स्पोकन, यानी जो लोग भरोसामंद होते हैं वो क्या करते हैं, हो सकता है कि वो सच्ची बात बोले या झूठ बात बोले, तो झूठ और सच के बीच का जो छोटा सी लकीर होती है उसे आपने तोड़ना नहीं है, जो सच को सच और झूठ को झूठ रखना है। अगर आप उसे टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, ट्विस्ट कर देंगे, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ टैप फॉर फूल्स, अब ट्विस्टेड बाय नेव्स क्या होता है, ट्विस्टेड बाय नेव्स यानी जो शरारत की वजह से क्या होता है, आप क्या करते हैं उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, और उससे क्या होता है,
आप जो सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे तो उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। अब लोग जो अमूमन जो अपने ख्यालों में गुम होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से ही बातों को खलत मलत करके, तोड़ मरोड़ करके गलत मतलब निकालते हैं। और आप और करेंगे तो और उसके अंदर बात बिगड़ सकती है। और वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टॉप स्टूप एंड बिल्ड एम अप विथ वर्न आउट टूल्स। अब क्या करना है हमें, अगर हमने कड़ी मेहनत करना है तो हम क्या करेंगे, अपने जो पोशीदा औजार है, वर्न आउट टूल्स क्या है, यानी ऐसे ख़राब औजार जिसके ज़रिए आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में और अपने साथ वालों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उसमें आप कामयाब हो सकते हैं अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू। अब ये वर्च्यू क्या होता है, यानी वर्च्यू यानी इकदार को कहते हैं, आपके कदरें जो हैं, अपने अखलाक जो है वो अखलाक पर आपने कायम रखना है। इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स, अगर आप भीड़ से बात कर रहे हैं लेकिन अखलाक से बात कर रहे हैं, अखलाक बहुत ही बेहतर तरीके से बात कर रहे हैं। ओ वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, या फिर क्या करते हैं, आप राजाओं बादशाहों के साथ चलते हैं लेकिन अपनी जो सादा लोही है, सादा बयानी है, उसे आप बिल्कुल भी, यानी बादशाह और साहिब इख्तदार लोगों के साथ आप क्या करते हैं, ज़मीन पर अपने पैर रखते हैं, नहीं तो हवा में उड़ने लगेंगे। तो आप जब सादगी को बरकरार रखते हैं तो हकीकी मानों में आप क्या करते हैं, एक अच्छे अहम शख्सियत बन जाते हैं। इफ़ नाइदर फोर्स नाउ लविंग फ्रेंड्स। अब ये फोज एंड फ्रेंड्स, ये भी क्या है, एंटीथीसिस है। फोज यानी दुश्मन, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। इफ़ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। अब क्या होगा, ना ही आपके दुश्मन और ना ही दोस्त, दोनों कोई भी आपके साथ रंजीदा नहीं होगी, आपके आपके साथ कोई बुरा बर्ताव रवा नहीं रखेंगे, वो तकलीफ़ नहीं देंगे। इफ़ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ़ यू ऑल मैन काउंट विथ यू बट नॉन टच टू मच। इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू, अभी काउंट विथ यू का मतलब क्या होता है, अभी काउंट के मायने तो होते गिनना, लेकिन काउंट विथ यू का मतलब क्या है, सबके साथ एक साथ ताल्लुक़ रखना, एक साथ, बी इक्वली इम्पॉर्टेंट टू यू, आप सबके साथ एक जैसा ताल्लुक़ रख रहे हैं, किसी को बड़ा नहीं, किसी को छोटा नहीं, सबसे तुम्हारा सलूक यकसा हो, तब बतौर इंसान दुनिया में तुम्हारा मकाम बुलंद होगा। इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट। अब ये अनफॉरगिविंग मिनट क्या होता है, यानी वो कीमती वक्त जो दूसरों के लिए आप रख रहे हैं, ना रुकने वाला वक्त आप क्या कर रहे हैं, दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तुम गुजरते वक्त के हर लम्हे की कदर पहचानोगे, लोगों के साथ गुजारता हुआ हर लम्हा, हर लम्हा मिनट जो नेक काम में लगा सकोगे, तो उससे क्या होगा, विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। तो क्या होगा, इन 60 सेकेंड में जो तुम पूरी मेहनत करोगे, चाहे वो दौड़ धूप हो, किसी की मदद हो, यूर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, तो क्या होगा, तब तब सारी दुनिया तुम्हारी होगी और हर बात तुम्हारे अख्तियार में होगी। एंड विच इज़ मोर, यू विल बी अ मैन माई सन। और उसके बाद क्या कहता है यहाँ पर पोएट, कहता है रुडयार्ड किपलिंग, मेरे मेरे दोस्त, मेरे बेटे, उस वक्त क्या होगे, तुम सबसे बात यह है कि तुम एक हकीकी इंसान बन जाओगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा।